वैसे मुझे ये मौजें लगी कि मेरी अफतारी बड़ी हो रही है। पाकिस्तान तो नहीं लगनी है, अमेरिका का लगनी है। मेरे से भी कम डालना है, मैं सोचा मैं ही घट खा लूँ। वो मैं एक स्टोर पे गया था, इंग्लिश स्टोर पे, वहाँ मूली बीमार थी, यहाँ पे मूली बहुत सेहतमंद था। ये देखा भाई, डेल्टा यूएसए में पहुँच गया भाई। स्ट्रिंग आगे देखे, स्ट्रिंग पियो और हवा में उड़ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फैसल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। जब से मैं यहां पे आया हूं ना यूएसए में, तो क्योंकि मुझे कुछ डेढ़ महीना हो गया, तो उसके बाद से पहले भी बहुत सारे लोग मिलते रहे हैं दावत के लिए, या मिलना, या बड़े अच्छे तरीके से पेश आना और वो वेलकम टू यूएसए कहना और साथ में कहना कि हमारे साथ बैठे हैं, खाना खाएं, ऐसा कुछ बड़ा अच्छा लग रहा था। पाकिस्तानी मिल रहे हैं और वो फैन फॉलोइंग जैसे होती है। तो जब से रमज़ान चढ़ा ना, बिलीव इट, मैंने एक भी अफ्तारी घर नहीं की, सब अफ्तारियाँ मेरी बाहर हुई। कभी किसी होटल पर, तो वो मुझे, बल्कि सारे जो लोग मिल रहे हैं, तो वो एक अफ्तारी के बाद फिर दोबारा दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह ना हर रोज़ कोई ना कोई मुझे आगे घर से ले जाता है और मुझे आगे अफ्तारी के लिए बुलवा लेते हैं और कहते हैं यहाँ हमारे साथ अफ्तारी करें। तो आज भी एक बड़े अच्छे हमारे पाकिस्तान के लाहौर के रहने वाले हैं मंसूर साहब, उनकी कॉल आई कि आपने ना आज रोज़ा हमारे साथ खोलना है। तो मैंने कहा जी ठीक है जी, जैसे आप कहते हैं। तो मैंने कहा जी आप मेरी तरफ़ आएँ? कहते नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे भाई हैं, आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आप हमारे लिए मुहतरम हैं, तो आप हमारे साथ आएँ, हम खुद आपको आपके घर से पिक करेंगे, आप हमारे साथ चलें, हम आपका इफ्तारी करवाते हैं, बल्कि आपके साथ मेरी फैमिली भी बैठ के हम इकट्ठे इफ्तारी करेंगे। उनकी मिसेज हैं साथ में, कह रहे थे मेरी बेटी है और ख़ुद हैं, ये तीन लोगों की फैमिली, और कह रहे हैं हम यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ, यहाँ पे जो पाकिस्तान का मेरी लिटल पाकिस्तान बना हुआ ना, वहीं पे रह रहे हैं कोनी आइलैंड पे। तो उनके साथ आज मेरी इफ्तारी है, तो मैं जा रहा हूँ आज इफ्तारी पे। तो वहाँ पे जो होगा, जो खाएंगे, जो देखेंगे, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर जा कर दिखाऊँगा, तो वो फिर आप देखिएगा कैसा कैसी चीज़ें हैं वहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो मिलते हैं वापसी में, टेक केयर। ये जनाब हमारे मंसूर साहब, आज इनके साथ हमारी इफ्तारी है, तो इनकी फैमिली के साथ आज इफ्तारी की जाएगी। माशाल्लाह यहाँ पे तो यूएसए में मुझे ये मौजें लगी कि मेरी इफ्तारी बड़ी हो रही है। चलें हम मिलते हैं। तो साहब आप पाकिस्तान से किधर गए? मैं लाहौर से। लाहौर, वेरी गुड। तो भैया जहाँ से आप हैं, कच्चूपुरा जहाँ मेरे पहले बोल दिया जहाँ से आप है मैं वहाँ से हूँ। जहाँ आपको मैट जी नान चने वाले, मैट जी यखनी वाले, बिल्कुल मैट जी यखनी वाले मेरे हमसाए हैं। अच्छा, हमारा डोर साथ ही है मैट यखनी वाले, वेरी गुड। तो वहाँ का मैं रहना पंच पीर मस्जिद नहीं है जो मैट जी यखनी वाले, बिल्कुल मैं वहाँ पे, वो हमारी हमारे लाहौर के बड़े करीबी भाई है मेरे जो मिल गए हैं, और मुझे जनाब इनके साथ खाने का मजा, क्योंकि खाबे तो लाहौरी खाते ही हैं। ये तो है, ठीक है ना। चलें जी इनकी गाड़ी में बैठते हैं और हम चलते हैं जनाब अफ्तारी करने। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे अफ्तारी के लिए। ये हम रेस्टोरेंट में आए हैं और यहाँ पे भी मज़े मज़े के पाकिस्तानी देसी खाने, लाहौरी खाने, जो कि हम खाएँगे अफ्तारी करेंगे। भाई अमेरिका में आ गए, मुझे तो पूरा वो एक लग रहा है कि मैं अमेरिका आया ही नहीं, अभी मैं लाहौर में फिर रहा हूँ। ये कील साहब है जी, कैसे हैं जी? कैसे आप? माशाल्लाह रेस्टोरेंट के ठीक है। कील साहब के पास में आता रहता हूँ अक्सर, उनसे तो मेरी मुलाकात होती रहती है। मुलाकात है जी। कुल्फियाँ शुल्फियाँ, खोए वाली कुल्फी, ये बताइए। दिखाया था कि ये देखिए अंदर, ये फिश है, सारी फिश है, फिश टिक्का कबाब और ये कढ़ाइयाँ। बाकी तो ये अफ्तारी के लिए जो है ना, ये मिर्चे हैं, समोसे, जिनको मैं अक्सर कहता हूँ समोसाज और पकौड़ा, हमको सिखा रहा है, एंड कचोरी, और ये देखें ज़बरदस्त जलेबी। हाँ हाँ, फ्योनिया तो इधर खाएंगे, ये खीर, ये देखें रसगुल्ले, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और रसमलाई, हलवा भी है भाई, हलवा, ये दूध है और ये इनका नाम जूसी वगैरह, मैंगो लस्सी है, मैंगो लस्सी, वाह, और नीचे रसमलाई। ये जनाब अपना हमारे खाने के लिए ना,
उन्हें सब कुछ ओपन कर दिया, खाएं और मजे करें और रोजा पमें ना करो। ये कढ़ाइयाँ हैं पाकिस्तान तो नहीं लबनी, अमेरिका के लबनी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये ना मेरे बुफा लगे हैं बुफा। ये देखिए सारा बारबेक्यू, वही चीज़ समोसा घोड़ा। ये देखें दही भल्ले, क्या ज़बरदस्त भल्ले बड़े हैं पूरा बड़ा बड़ा। ये इनकी क्रीम चाट आई थी वो, आलू की चिप्स, मज़े मज़े, खीर, खजूरें। इतना बार हमने ये सब कुछ खाएंगे। जी मैंने अपने प्लेट में एक अदर समोसा कोड़ा एंड आलू का चिप्सा, ये और साथ में जो है ना वो दो खजूरें, ठीक है ना। और मेरे साथ मंसूर साहब ने देखे, ये मेरे से भी कम डाला है। मैं सोचा मैं ही घट खा लूँ। ये जो है ना अफ्तारी करेंगे उसके बाद रात में, लगता है इरादा हमारा ना ज़्यादा खाने का। और एक बड़े पाकिस्तानी प्यारे भाई मजीद साहब खड़े हैं, ये इनका स्टोर है। तो कैसे मजीद साहब, आप खैरियत से? शुक्र। तो आप कब से यहाँ पे? मुझे 16 साल हो गए सर। 16 साल माशा हो गए। और आप देखेंगे कि आपको लगेगा ना कि मैं ये किसी इंग्लिश स्टोर पर खड़ा हूँ, ये लग रहा है जैसे मैं लाहौर के किसी बड़े अच्छे डिपार्टमेंट स्टोर जाते जो बड़े बड़े जो उस तरह का स्टोर है। और यहाँ पे हर चीज़ देखें ना, बायो आमला टाइप की चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। और ये देखें सारा पाकिस्तानी जो है ना, मरुंडा भी पड़ा हुआ जी, मरुंडा इधर। ये देखें ये मरुंडा दो तो बसों में जो स्वाद है वहाँ पर मिलता है, मसवाक हर चीज़। अच्छा मसवाक भी मिलती भी, ये देखें मसवाक पड़ी हुई है। और ये अंगूर भी अलग देखें पाकिस्तानी। देखिए यहाँ पे ये काटू है, और ये इनका जो दूसरी जो रेडबुल वगैरह पीते हैं हम, ये बाकी जो चिप, ये देखें सलांटियाँ सुलटियाँ जो खाते हैं ना पाकिस्तान में, ये सारी इनके स्टोर में पड़ी हुई हैं। ये पपीता पड़ा हुआ है, और ये बाकी हमारी जो जितनी चॉकलेट्स टाइप की चीज़ें वो भी इधर पड़ी हैं। पॉन्टिंग तो खास तौर पर ना ये मुझे बहुत पसंद है, जैनब भी चीजियाँ, ये चीजियाँ जी हमारी। हाँ ये देखें शैम्पू भी हमारे वही पाकिस्तान के जो है ना, हेड एंड शोल्डर। और ये देखिए आगे जनाब सरसों का तेल, वाह जी वाह, ये कोलगेट। और ये देखें खजूरें, और खजूरें तो ये वाले बगैर गुठली के कमाल है, बेहतरीन है। ये देखें डिटोल साबुन, डव साबुन, ये सारा कुछ देखें ना, आपको लगेगा नहीं आप ये अमेरिका का स्टोर दिखा रहा हूँ। ये वैसे है अमेरिका का, ये ना बाद पता चले मैं कितने और खड़ा हूँ, ये मैं अमेरिका में खड़ा हूँ भाई। मुल्तान का सोन हलवा, वाह अहमद सोन हलवा, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन रसगुल्ले। वाह ये देखें गोभी। और ये मूली चेक करें, मूली मुझे सबसे अच्छी लगी। वो मैं एक स्टोर पे गया था इंग्लिश स्टोर पे, वहाँ मूली बीमार थी, यहाँ पे मूली बहुत सेहतमंद है। ये देखा सेहतमंद मूली, टमाटर, करेला, ये है हमारे छोटे बैंगन। ये देखें खीरा, शकरकंदी, आलू। ये देखें ना हमारा स्टाइल वो जैसे पड़ी हुई, हमारे जिंजर पड़ी हुई है, जूसीज और सारा कुछ पालक शाल वही स्टाइल। देखें मिर्चियाँ हमारी, मिर्चें जो हमारी हंडिया में डालते हैं। ये देखें और ये फिर दानेदार चाय, वाइटल, लिप्टन, बड़े बड़े ब्रांड। ये देखिए क्या बात है, मज़ा आ गया। ये इसमें तो सब कुछ मिलता है जो हमारे पाकिस्तान मसाले मसूले। हाँ डालडा देखें, डालडा ही पड़ा हुआ भाई इधर। अब भाई डालडा यूएसए में पहुंच गया भाई। अच्छा और ये देसी घी की ताकतें भी यहाँ पे हैं भाई, ये देखें पाक देसी घी, शेजान जूस मैंगो डब्बे वाला। किधर है ये देखो। लो जी अब भाजी शेजान जूस को से को चाहिए, जब मैंने पाकिस्तान आना तो मैंने यही ले जाना सारा, यहाँ से तो जा कहूँगा ले आए, तो वो मुझे कहेंगे दफा हो जाओ कहाँ से आए हो। ये इधर भी मिलता है सारा, ये लांडी सारा चावल है, चावल चावल ये वो 10 किस्म के चावल है सारा, ये पाकिस्तान से आता है। फलक, जेब्रा, ये जो है दूसरा डियर, कुछ ये यहाँ पे इंडिया का भी आया, कुछ पाकिस्तान से आता है। कोलगेट सारी टक आ गई, ये जनाब देखें पाकिस्तानी कुकीज सारे बिस्किट्स टक। हाँ ये गाला आ गया पीछे, ये पड़ा हुआ जी गाला बिस्किट, पाकिस्तान के मशहूर तरीन बिस्कुट, सारी दालें वगैरह इधर है। बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी है जी। अपना फुलड़ियाँ, फुलड़ी जो है फुलड़ी जी हम खाते थे छोटे। हाँ जी इनकी पिनियाँ भी आती हैं, देखें फुलड़ियाँ भी तो मिलती हैं भाई। हाँ जी
फ्योनिया यहाँ पे ऐसे पैक हो जाती फ्योनी। हाँ ये फ्योनी है, ये जो पैक हो गया चांद रात को बनती है या ईद पे सवैया जो बनती है। हाँ, ये वही चीज़ें बच्चों को ईद दे के आते हैं जो। हाँ सूजियाँ साजियाँ बेसन वसन पकौड़े शकौड़े जो मर्जी बनाओ जनाब, ये तो मज़े ही मज़े हैं। ये पकौड़ियाँ पाकिस्तान की, पाकिस्तान की, पाकिस्तान की पकौड़ियाँ जो फ्राई तो कमाल ही हो गई। लॉरी में मकई थे चने थे ये वो। देखिए पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी आ गए ना, पाकिस्तान ने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, यहाँ पे वही चीज़ें खानी जो उधर खाते थे, कुछ चंगी चीज़ खा लो इधर। तो ये जनाब हमारे मंसूर भाई बड़े फ्रेंडली जो है ना इंसान है, बड़े फ्रेंडली, इनके साथ बड़ा अच्छा लगा मिलकर। बहुत सारे लोगों से मिला लेकिन इनके साथ मिलकर ना कुछ थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगा, क्योंकि ये हमारे लाहौर 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 है भाजी। ये देखो जी फ्रूटो फ्रूट हो जो यार, यहाँ पे हम अमरूद भी मिलते हैं भाई जान, अगर अमरूद किसी को चाहिए तो मैं भेज सकता हूँ आपको, चार डाल के मिलेंगे यहाँ से, ठीक है ये आपको भेज सकता हूँ मैं, जिसको चाहिए मुझे बता देना। समझे ये बीमार नाशपाती, अच्छा ये अच्छी वाली है, पाकिस्तान में तो रेड ग्रीन मिलती है ना। ये देखें एप्पल, ग्रीन एप्पल, पानी शानी यार, मुझे भी पानी की बोतल बाय करनी है यहाँ से, तो मैं इसी स्टोर से ले लेता हूँ, मेरा पानी खत्म हो जाता है। सर कोई मसला नहीं, आपने जो लेना आप ले ले। हाँ ये देखना, पैसों की बात किसी ने नहीं कर रहा। अच्छा आप जितना पानी लेना आप ले। ओके ओके ओके, लो जी पानी तो मुझे फिर मिल ही जाएगा, देखे ना मज़ा आ गया ना। अरे पाकिस्तानी भाइयों के बाद कहते हैं पानी पियो, ये देखिए पूरा अंदर लेना, बड़ा अच्छा स्टोर है माशाल्लाह। ये एक एरिया है, इसका एरिया का नाम है मिनी पाकिस्तान, कोनी आइलैंड पर ये स्टोर है। और ये देखें यहाँ पे ये बेस्ट फूड के, अच्छा ये बेस्ट नहीं, इनका नाम क्या स्टोर है जी, अब बेस्ट फूड आप कह सकते हैं, बेस्ट फूड के नाम से स्टोर है, बड़ा ना कॉर्नर बना हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये चांदरा जहाँ बना हुआ है, सारा पाकिस्तानी कम्युनिटी का ये पूरा गढ़ है जनाब। यहाँ पे मैं दो तीन दफ़ा आ चुका हूँ, तो मुझे ना दिल करता इधर ही फिरता रहूँ, फिर वही बताया कि वो नहीं होता कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। लें जी हम आए हैं जनाब मंसूर साहब के दफ्तर में, ये को ऑर्गेनाइज है ये पाकिस्तानी अमेरिकन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हम आए हैं इनके दफ्तर में। तो यहाँ पे देखेंगे माशाल्लाह पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए ये बहुत कुछ कर रहे हैं, यंगस्ट के लिए ख़ास तौर पर। और आप देखेंगे यहाँ पे ना पूरा एक इन्होंने अच्छा सेटअप लगा हुआ है, ये रमज़ान के लिए सारा खुद मैंने किया। हाँ रमज़ान के लिए ना, ये जो मंसूर साहब का दफ्तर है यहाँ पे माशाल्लाह, ये बहुत सोशल है, ये देखें लोगों के लिए हेल्पिंग सिस्टम जो है ना, ये फूड पेंट्री होती है एवरी थर्सडे को हम करते हैं यहाँ पे, लोगों को मैं फूड तकसीम करते हैं, ये अपना क्या कहते हैं एवरी थर्सडे होता है और फ्राइडे को भी होता है 3 to 5 यहाँ पे हम लेते हैं, एवरी वीक तकरीबन जो है 500 to 600 लोग। वेरी गुड वेरी गुड, देखें ये आते हैं यहाँ पे, यानी कि जो मुस्तक लोग हैं कोरोना के बाद का ये सिलसिला शुरू हुआ है कोरोना टाइम का ही, तो हम उसमें ये फूड देते हैं। तो अगर आप थर्सडे को आएँ आपको टाइम आपको दिखाएंगे हम लोग कितना करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल होते हैं, सारा कैन फूड वगैरह होता है, दालें होती हैं, यानी कि अमेरिकन भी हैं उसमें, ये नहीं है कि हम लोग आप देते हैं फूड, ये कितने लोग हम तकरीबन वीक का जो है ये 500 to 600 लोग। वेरी गुड वेरी गुड, ये जो है तकरीबन ये नहीं है कि कोई सिर्फ ये मुसलमानों के लिए, ये सबके लिए, सबके लिए, ये इसमें अमेरिकन हो, बंगाली हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, चाइनीज हो, हर बंदे के लिए यहाँ पे जो भी आएगा उसको हर किसी को यहाँ पे फूड मिलेगा। वेरी गुड, देखिए रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ये यहाँ पे ब्रुकलिन में है, ये इनका एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जनाब हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और माशाल्लाह यहाँ पे तो बड़े अच्छे खास इनके ना एक सिस्टम के साथ रह रहे हैं। ये देखें यहाँ की ये हमारी पिक्चर्स लगी हुई हैं सारे यहाँ पे, ये मेयर है, डिस्ट्रिक्ट अटर्नी है, यहाँ पे काउंसिल मैन है, यानी कि ये हमारे जो मेयर हैं इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी के, उसके बाद ये जो हैं लेडीज़ ये हमारी जनरल काउंसलर थी यहाँ की जो पाकिस्तानी एम्बेसी में थी, ये अब यहाँ से जा चुकी हैं। और जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हम लोगों की या हमारी पूरी टीम की यह है कि हमने कोनी आइलैंड का को नेम जो है वो मोहम्मद अली जनाब है के ये नाम से किया है। तो ये हमारे प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे, ये इस वक्त यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, होते तो इनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी।
ये अमीर ये नहीं मेयर इस वक्त ये है ये मेयर एरिक एडम ये है जी मेयर ऑफ न्यूयॉर्क और ऊपर हमारे कायद आजम साहब और फादर ऑफ नेशन जॉर्ज फिंटन जिनकी डॉलर के ऊपर पिक्चर भी है और हमारे नोटों में कायद आजम की पिक्चर है और उनके नाम पर यहाँ न्यूयॉर्क में मोहम्मद अली जना है और उनकी तस्वीरें देखें यहाँ पर लगी हैं दोनों इकट्ठी कमाल हो गई कमाल जबरदस्त USA का फ्लैग चैन का भी पाइया पुराने जमाने में सिटी बोलते होंगे सी चाह पक जाती थी ये देखें आप एक स्टोर में हम आए तो यहाँ पे देखें ये सारा आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिलेंगी और मैं कहता कमाल ही होगा देखें अब हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबिलिटी स्टोर है तो एक जो सबसे मज़ा चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ वो है जनाब भांडे ये हमारे बर्तन बुर्तन भांडे सिल्वर के फ्राई पान प्लेटें ये देखें ये प्लेटें मिल रही होंगी शाल में मार्केट से जाके लेके आते थे यहाँ पे पड़ी किसी को चाहिए तो मुझे बता देना भेज दूंगा मैं नहीं ये यहाँ पे कितने की है ट्रे जो है ना ये लो ये एक डॉलर की ये तकरीबन 4.99 है पाँच डॉलर फोर हंड्रेड चार पाँच डॉलर की जो बेच है ठीक है यहाँ पे 99 सेंट लिखा जाता है ये जो है ना रूल है यहाँ पे का लॉ है ये दो रुपये पूरे नहीं लेने नहीं एक पैसे का धोखा देना वो तो प्रेशर कुकर हाँ प्रेशर कुकर देखे ना कॉफी पॉट ये बर्तनों की दुकान है जनाब यहाँ पे हर किस्म का बर्तन जो चाहिए ये देखें सारा ये हमारा सामान में पड़ा हुआ ना यहाँ देखो कोक भी पई हुई है यहाँ तो खैर उठ भी पई होती है यहाँ पे वो क्या कहते हैं वो जो आई थी सोडा नया आया क्या क्या नाम अमरीका के बीच जी स्ट्रिंग लैन थी देखें जी पाकिस्तान में स्ट्रिंग हमने छोड़ दी थी और यहाँ अमेरिका ने शुरू कर अमेरिका में यहाँ पे ये देखें जी स्ट्रिंग आ गई है स्ट्रिंग आ गई देखें स्ट्रिंग पियो और हवा में उड़ जाओ कौन है ये लोग हवा में उड़ जाओ ये स्ट्रिंग वहाँ पे चलती है हवा में उड़ने वाली हवा में उड़ने के लिए तो इधर भी ले आए देखें स्ट्रिंग भी ले आए यहाँ स्ट्रिंग भी आ गई यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम जी मैं आपने देखा कि इफ्तारी खाई उनके साथ मिले कैसे भाई लोग मंसूर साहब की बातें आपने सुनी कमाल बातें करते हैं पूरा उन्होंने एक सिस्टम बनाया सबसे स्पेशल जो चीज़ थी जो बेहतरीन थी वो थी यूथ ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे इन्होंने पाकिस्तानियों के लिए बनाई हुई है और वो वहाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कि इन्होंने इनकी ऐसी कम्युनिटी है ये खुद हैंडल कर रहे हैं सारे को तो इसी जो ऑफिस मैंने दिखाया ये वहीं पे बैठते हैं तो बड़ी अच्छी बात लगी कि ये देखिए ये लोग यहाँ पे मुल्क से बाहर रहकर यहाँ पे कैसे एक दूसरे साथ जुड़े हुए हैं और कैसे दूसरे की हेल्प कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम में है किसी को मसला है कोई बीमार है किसी को कोई इशू है या किसी को फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आती है खाने की इशू है तो यहाँ पे ये लोग उनकी हेल्प करते हैं क्योंकि इनका लिंक होता है गवर्नमेंट के साथ अब गवर्नमेंट के साथ जो लोग जुड़े होते हैं गवर्नमेंट कौन सी जो न्यूयॉर्क के मेयर हैं या न्यूयॉर्क की जो बड़ी जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जो भी हैं जो पुलिस में बड़े बड़े ऑफिसर हैं वो यहाँ पे आते हैं वो इनकी हेल्प करते हैं इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये मिलके एक सिस्टम एक बनाया हुआ है इन्होंने तो जैसे अब पाकिस्तान से कोई नया बंदा आता है पाकिस्तान से तो वो यहाँ के आके इनसे मिलता है बताता है मुझे जॉब चाहिए मुझे रहस चाहिए या मुझे कोई ऐसी कोई चीज़ चाहिए तो ये उसकी बड़े अच्छे तरीके से हेल्प करते हैं क्योंकि इनके पास हर चीज़ अवेल है और खुदा ना खासा कोई यहाँ पर रहते हुए किसी पाकिस्तानी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है इवन कि उसका कोई अल्लाह ना करे रोड एक्सीडेंट हो जाता है या उसको कोई खाने का इशू आ जाता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाती है या उसको कोई रहस की प्रॉब्लम आ जाती है तो ये उसके लिए काफ़ी हेल्प करते हैं तो यहाँ पर एक सिस्टम है क्योंकि ये लोग जो हमारा हमारा पाकिस्तान का जो कल्चर है वो और है यहाँ का सिस्टम कुछ और है ये लोग यहाँ पे जो है ना इन्होंने एक सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पे आप मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि ऐसा मतलब आपको आगे लेके चलती है ऐसा नहीं कि वो आपको बिल्कुल छोड़ देती है लेकिन यहाँ पर सिस्टम ये दिया है कि लोग खुद उठें और अपने भी ऐप पर आगे बढ़ें तो फिर यहाँ पर ये सिस्टम ऐसा जब वो बंदा चल पड़ता है ना तो बस फिर वो उसकी रुकने की वो जो है ना वो नहीं तो आगे बढ़ता जाता है फाइनेंशियली भी फिट हो जाता है हर चीज़ उसके पास आ जाती है यानी कि ज़हनी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाता है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है कि ताकि उसको कोई फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम ना हो और इधर से लोग पैसा कमा कर पैसा बना कर मेहनत करके और बड़े अच्छे तरीके से अपने घर पाकिस्तान में जब पैसा भेजते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती है तो ये इनका सिस्टम है इसके अलावा जो चीज़ें दिखाई वो मैंने एक पाकिस्तानी स्टोर भी आपको दिखाया कि वहाँ पाकिस्तान में से बाहर आकर भी आपको यहाँ पाकिस्तानी चीज़ें मिलेंगी और खाने जो थे वो अफ्तारी के वो तो खैर ही मज़े लग ही रहा था कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ बड़ा मज़ा आया खाने का बड़ा अच्छा लगा
और दूसरी चीज़ें ये आती हैं कि जो सबसे बड़ी जो हैवी चीज़ है वो ये आती है कि आप देखें कि लोग मोहब्बत करते हैं और इफ्तारियाँ कराने में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोगों की इफ्तारियाँ हो रही हैं। दो तीन दिन पहले मैं यहाँ पे गया, वो वहाँ पे चूँकि लेट हो गए थे, मैं वीडियो नहीं बना सका। वहाँ पे भी कुछ एक ऑर्गेनाइजर थी, वो तकरीबन कुछ 100 के करीब बंदा था वहाँ पे, उनकी इफ्तारी हो रही थी जो कि सारे पाकिस्तानी थे, और हाई रिच जो बिजनेसमैन थे वो भी वहाँ पे थे, बड़े बड़े उद्यम वाले थे वो भी वहाँ पे आए हुए थे, और उन्होंने वहाँ पे इफ्तारी की। मैं उनकी वो वीडियो नहीं बना सका, नेक्स्ट इंशाल्लाह एक होनी है तो फिर मैं इंशाल्लाह वो पूरी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पाकिस्तानी पाकिस्तानी के लिए कितना काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है, यूनिटी में बरकत है और आगे बढ़ना चाहिए। बाकी मंसूर साहब को मैं सल्यूट करता हूँ कि मंसूर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नफीस आदमी है, उनकी फैमिली बड़ी अच्छी है, उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मंसूर साहब कि आपने मुझे इफ्तारी के लिए बुलवाया और अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ ले गए जो आपने एक डेवलप की हुई है और बनाई और काफ़ी सालों से उस पर काम कर रहे हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ इन चीज़ों से, क्योंकि मेरा अपना मन होता है कि मैं कुछ चीज़ें बांटूँ, जैसे हम पाकिस्तान में ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में चीज़ें बांटना देना लेना ये चलता रहता है। तो यहाँ पे जो है ना ये चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी जो आ जाते हैं बेचारे जैसे तैसे पहुँच जाते हैं, वो आके यहाँ पर आकर उनको प्रॉब्लम होती हैं बहुत ज़्यादा, वो प्रॉब्लम्स के लिए ये अदारे हैं और यहाँ पर ये अदारे अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्राइवेट तौर पर उन्हें बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट इनके साथ है। तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी हैं। बहरहाल मुझे अब ये बहुत सारी बातें हो गई हैं, इफ्तारी भी हो गई है, ऑर्गेनाइज भी आपको ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी जो बनी थी वो भी आपको मैंने दिखा दी। तो मुझे अब डॉक्टर फैसल को इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, मेरे साथ जुड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।